आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दस्तक, पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में पारा गिरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के दफ्तर और आवास समेत कई जगह पर सीबीआई ने मारे छापे। ज्ञानवापी के बाद अब जामिया मस्जिद को लेकर उठी आवाज, हिंदू संगठन ने मांगी पूजा करने की इजाजत। महबूबा मुफ्ती का बेतुका बयान, कहा कश्मीरी पंडितों पर हमले के लिए कश्मीर फाइल्स फिल्म है जिम्मेदार। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के मंत्रियों को दिया सुशासन का गुरु मंत्र, साथ में किया डिनर। यूपी ने 32 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड, अभियान में शुरुआत से ही अव्वल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर करार देने की कोशिश साजिश। यूपी में स्कूलों को मान्यता देने में जमकर मनमानी, 72 बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। यूपी ने केंद्र से चावल के साथ गेहूं भी मांगा, चिट्ठी भेजकर कहा राज्य के कुछ हिस्सों में गेहूं भोजन का मुख्य हिस्सा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासन से राहत के लिए भारतीय नागरिक के अपील को किया खारिज। श्रीलंका में बचा है केवल एक दिन का पेट्रोल स्टॉक, आने वाले दिन होंगे मुश्किलों से भरे, भारत की मदद के बाद मिलेगी कुछ राहत। बलूचिस्तान में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की जांच कर रहे नॉर्वेजियन के बेरहमी से किया गया प्रताड़ित। हत्या की आशंका पर पीएम शहबाज शरीफ ने बढ़ाई इमरान खान की सुरक्षा, राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश। सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 बिलियन के प्रस्ताव से कम भुगतान करने के संकेत दिए। शार्दुल के आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दिल्ली को मिली जीत, पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल। ऋषभ पंत ने पृथ्वी शॉ को लेकर दी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिनों में पता चलेगा कि वो कब खेलने के लिए तैयार है। पंजाब को हराकर दिल्ली पहुंची टॉप फोर में, दूसरे नंबर पर 16 अंकों के साथ राजस्थान की टीम। महिला T20 चैलेंज के लिए हरमनप्रीत मंधाना और दीप्ति को मिली कप्तानी, टूर्नामेंट में 12 विदेशी खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। शीर्ष दो में गुजरात की जगह पक्की, फाइनल में पहुंचने के लिए मिलेंगे दो मौके। डांस दीवाने शो के जज तुषार कालिया ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड संग की सगाई, रोमांटिक पोज के साथ फ्लॉन्ट की अंगूठी। सलमान खान ने किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोड़ा की ली जिम्मेदारी, हिंदी वर्जन को करेंगे प्रमोट। मीका सिंह ने शुरू की वोटी की खोज, म्यूजिक वीडियो शेयर कर दूल्हे राजा ने बताई अपनी पसंद।
फुकरे एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ट्रोलर्स के निशाने पर, उन्होंने दिया जवाब, कहा रिलेशन है 58-54 में ट्वीट करती है ट्रोल आर्मी। केजीएफ 2 की हुई 1200 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री, रॉकी भाई के एक्शन ने पांचवें हफ्ते भी चटकाई सबको धुल। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।